तो ये है दोस्तों मंदिर का मेन एंट्रेंस अंदर जाने के लिए, और लेफ्ट साइड में जो रोड जा रहा है वहाँ कृष्णा रिवर पे जाता है, जहाँ पे लोग स्नान करके फिर अनो अंदर मंदिर में जाते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग दिख रहा है उसमें रथ रखा जाता है, हर साल जो है मेला लगता है तो उसको रथ बाहर निकाल कर खींचने का यहाँ पर प्रथा है। तो चलो अंदर आपको मैं लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप अंदर जा सकते हैं, जहाँ पर यू नो बसवेश्वर का यू नो लिंगैक्य हुआ है। लिंगैक्य मीन्स वहाँ पर उनको यू नो उनका लास्ट नो ब्रेथ यहाँ पर आके वहाँ पे लीन होता है इस पर। तो इसमें अब अराउंड यू नो 100 सब फीट ये डेप्थ है। पूरा नदी में इसको बनाया गया है। नीचे जाने के बाद जो है आपको यू नो वहाँ का उनका यू नो मूर्ति वगैरह है, वहाँ पे लोग पूजा भी करते हैं नीचे जाकर। तो मैं आपको नीचे जाकर अभी दिखाता हूँ। तो एक बार आप नीचे आने के बाद यहाँ पे दिखता है यू नो ये बसवेश्वर का जो है उनका लास्ट यू नो ब्रेथ यू नो यहाँ पे लिया था उन्होंने। यहाँ पे समुंदर में आके उन्होंने जंप किया और यू नो उनका यहाँ पे लीन किया, और इसको एक तरह से आप कह सकते हैं उनका यू नो माउंटेन इन समाधि भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आप ऊपर देखें तो ये इस तरफ आपको देख देख सकते हैं कि दोनों तरफ से यू नो उतरने के लिए चढ़ने के लिए आपको मिलेगा, एंड अराउंड 100 ऑफ फीट्स यहाँ पे है। चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके आपको मैं समंदर दिखाता हूँ। ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल व्यू, ये समुंदर है। इसको कूडल संगम कहने के लिए यहाँ पे कृष्णा नदी, मलप्रभा, घटप्रभा तीन रिवर जो है नदी यहाँ यहाँ पे मिलते हैं, मिलके यहाँ पे आगे जो है श्रीशैलम का, ये जो आगे देख रहे हैं आप श्रीशैलम का तरफ बहते हैं, तीनों नदी यहाँ पर एक पॉइंट मिलते हैं, इसलिए इसको कूडल संगम भी कहा जाता है। तो यहाँ तीनों मिलके श्रीशैलम का तरफ से जो है आगे बढ़ता है नदी। और यू नो ब्यूटीफुल सा ये सुंदर लोकेशन। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो आगे जो ब्रिज दिख रहा है आपको, जो वो ब्रिज का नीचे से जो स्टील ब्रिज जो दिख रहा है, वो ब्रिज का नीचे से जो रिवर्स आ रहा है उस रिवर को कहा जाता है यू नो मलप्रभा नदी। एंड उसका बगल में जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा वो है घटप्रभा, एंड जो इस तरफ है वो कृष्णा नदी। ये गर्भगुड़ी और अंदर वहाँ से बाहर गर्भगुड़ी आने अंदर के लिंदस बाद स्टार्ट जो करते है हैं आपको एक लिंदस, वो टेंपल देख का साइड ही आउटसाइड बंद का हो लुक, गया, एंड यहाँ पे वो गार्डन गार्डन वगैरह ट्राई भी है है, वो यहाँ पे कूलर थोड़ा आप कह रहे थे, रिलैक्स कूलर कर कह रहे थे सकते हैं नीचे से कूलर ऊपर अराउंड। आने के बाद।
ये है दोस्तों लोकेशन जहाँ पे मैंने होटल में रुका था उसका आउटसाइड में, लाइक यू नो फुली ग्रीनरी एरिया राइट एंड लेफ्ट जहाँ पे ये जो दिख रहे वहीं से मैं आपको दिखा के अभी आ रहा हूँ। जो मैं ऊपर चढ़ के गया था वहाँ से कृष्णा नदी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो है मलप्रभा दिखता है, और ऐसे ही सीधा आगे गया तो जो है जो पहले जो हम मंदिर दिखाएं आपको वो मंदिर का तरफ जो है आगे आप बढ़ सकते हैं। फिर वापस नीचे उतर के जो है मैंने आपको रूम दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अभी अंदर जो है यहाँ पे होटल में रुका हूँ, उसका नाम है कामत होटल। तो फिर चलिए अंदर अंदर में यू नो सिंपल सा रूम है, लाइक यू नो इसको इस रूम को मैंने दिया है 500 रुपीज़ पर नाइट। यहाँ पे क्योंकि कोई और होटल है नहीं, एक ही होटल है, तो फिर यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह 2-3 चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे एक नो कॉमन सा मिले नॉर्मल कपड़ा वगैरह बैग वगैरह रखने के लिए यहाँ पे आपको अलमारी टाइप का मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देखते हुए चेयर एंड ये मैं एंड आपको यहाँ पे जो है चीज़ें लाइक यू नो 500 रुपीज़ में हमको मिल गया एंड कंफर्टेबल है रहने के लिए। बड़ा सा रूम है, नो डबल बेड आई थिंक रह सकते हैं एक नाइट के लिए, क्योंकि अगर वैसे ही आपको विजिट करके आना है तो आप विजिट करके आ सकते हैं, वरना अगर रुकना है तो वहाँ पे ये एक ही होटल है जो यू नो नियर बाय एकदम जस्ट बगल में होटल है कामत होटल बोल के। ये होटल में आप रुक सकते हैं, रुक के यहाँ पर यू नो 500 और 600 2 पर्सन सही तो भी इंक्लूडिंग यू नो 600 रुपीज़ है। तो बहुत अच्छा सा लोकेशन है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। और होटल से बाहर आते ही आपको ये जो है मैंने पहले दिखाया आपको ये ऊपर जाने के जो चीज़ें हैं, ऊपर जाके यहाँ पे यू नो वहाँ पे आप दोनों तरफ से लोकेशन आप देख सकते हैं।